मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने ये साबित करने की चुनौती दी है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। मुख्यमंत्री जिसने अपने सर्टिफिकेट के माध्यम से जैसे किया है ऋण माफी का प्रमाण दिया है, एक किसान यदि ऋण माफी का प्रमाण लेके गया है तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया है, किसी में दम हो तो सिद्ध करके दिखाए कि मेरा ऋण माफी नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट कोई ऐसे नहीं दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें साइन है। कोई भी बंदा जो है, कोई भी किसान फौजदारी के मामले में 400 बीसी में अंधकार कर सकते हैं। जो भी है पारदर्शी व्यवस्था है। हमने 22-23 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं। हमारे नेता रायसेन में चुनाव प्रचार के लिए गए प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने दावा किया है कि सभी किसानों का कर्ज माफ किया गया है और तो और सर्टिफिकेट भी दिया गया है। अगर किसी को लिस्ट चाहिए तो वो पेन ड्राइव लेकर आए। चैनल पे ही कहा है कि पेन ड्राइव मेरे पास है, पूरी लिस्ट हमारे पास है, किसानों के नाम है जिनका ऋण माफ हुआ है। आप लोग भी यहाँ थे, बरेली में मिलवाया था, ये वो सब पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। मगर हमारा ये कहने का है जो हमने कहा करके दिखाया है। जहाँ तक 72,000 रुपए देने की बात है, जो हम लोगों ने कहा है वो करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस की खिंचाई की थी। शिवराज ने आरोप लगाए थे कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। राहुल गांधी 10 दिन में कर्ज माफी की बात करते हैं, वहीं उनकी सरकार के मुख्यमंत्री किसानों को मैसेज करवा रहे हैं कि आचार संहिता के कारण कर्ज माफी का पैसा नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आदतन झूठ बोलने वाले राजनेता हैं। वो झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। आज उनके एक झूठ का मैं यहां पर्दाफाश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो मध्य प्रदेश की कई सभाओं में राहुल जी ने जनता को यह कहा था, किसानों को, कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। एक नहीं, अनेकों सभाओं में बोला था। बीजेपी अब चुनाव प्रचार में इस बात को उठा रही है कि राहुल गांधी ने जैसे कर्ज माफी पर किसानों को धोखा दिया, उसी तरह गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इस लड़ाई के बीच बीजेपी कांग्रेस को झूठा कह रही है तो कांग्रेस सबूत की मांग कर रही है। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।